बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी बिरयानी राइस। यखनी बिरयानी राइस बनाने के लिए मैंने लिए आधा किलो मटन बोन्स लिए और मैंने उसे आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी, एक अदद प्याज, दो से तीन अदद तेज़पत्ता और हसबे ज़ायका नमक डालकर 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से उसे उबाल लिया और उसकी यखनी बना ली है। मैंने लिया है एक पाव बासमती राइस और मैंने लिया है साबत गरम मसाला। साबत गरम मसाले में मैंने लिए हैं दो से तीन अदद तेज़पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो अदद हरी इलायची, एक अदद बड़ी इलायची और एक अदद लिया स्टार फूल, सात अदद लिए हैं मैंने काली मिर्च और एक चौथाई चम्मच लिया है मैंने शाहजीरा और मैंने लिया है दो अदद लौंग। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी देखें तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी हर रेसिपी आपको मिलती रहे। ओके, अब हम बनाना शुरू करते हैं यखनी बिरयानी राइस। यखनी बिरयानी राइस बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसी में डाल देंगे जो हमने यखनी तैयार की है। बिस्मिल्लाह। और यखनी में हमने डाल देना है ये साबत गरम मसाले। यखनी में अच्छी तरह से उबाल हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे राइस। ये देखें, यखनी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, इसी में हम ये राइस डाल देंगे। हमने सॉल्ट नमक जो डाला था वो हमने डाला था यखनी के हिसाब से, यखनी में जितनी ज़रूरत थी उतना डाला था। अभी हमने राइस डाला है तो हमने और इसमें नमक डालना है, आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। ओके, नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब राइस में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो इसे हम ढककर दम पर छोड़ देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे फूड कलर्स। ओके, ये देखें राइस में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब हम इसे ढककर स्लो आंच पर दम पर छोड़ देते हैं। ओके, 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें राइस को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और राइस अच्छी तरह से ये देखें गल गया है, हल्की हल्की सी कनी है इसमें, अच्छी तरह से गल गया है। इसे हमने इस तरह चला लेना है, ये देखिए इस तरह से चला लें इसे और इसे हमने 5 मिनट और पकने देना है। ओके, इसे हमने कलरफुल बनाना है, कलरफुल बनाने के लिए हमने इसमें डालना है येलो फूड कलर थोड़ा सा, 1 से 2 चुटकी और इसी में हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा और डालकर हमने ढककर इसे 5 मिनट तक पकने देना है। ओके, ये देखें कलर डालकर मैंने राइस को 5 मिनट तक पकने दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, राइस बनकर तैयार है। ये बनकर तैयार है यखनी बिरयानी राइस कलरफुल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इस राइस को आप बनाकर सुबह से भी रख सकते हैं, एक दिन पहले अगर आपको बिरयानी बनानी हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपने बिरयानी का मसाला तैयार किया, राइस हमारे पास तैयार है, बिरयानी झटपट बनकर हमारी तैयार होगी। ओके, इस बिरयानी राइस को हम फ्राई चिकन से, चिकन मसाला से भी खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देखें तो घर पर ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। ओके, अब इसे हम करेंगे सर्व। आप इसे तैयार कर फ्रीज कर भी रख सकते हैं, एक दिन पहले से, दो दिन पहले से ये ख़राब नहीं होगा। यखनी में बनी हुई है, यखनी में जो अपना तेल निकलता है उससे सेफ रहता है, इसमें हमें तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें तैयार हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग घर पर ज़रूर बनाकर देखिए इसे। ओके, अब इसे हम करेंगे सर्व। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, यखनी बिरयानी राइस कलरफुल बनकर तैयार है। आप लोग देखें तो घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी आपको मिलती रहे। ओके।
अल्लाह हाफिज़।